हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइज आ चुका हूँ मैं एक और गेम प्ले के साथ। और आज गाइज हम मिलिट्री बेस जा रहे थे, तो गाइज हमारे साथ साथ एक स्क्वाड आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था मेरी बिल्डिंग पर आएगी गन फाइट के लिए, तो मैं जल्दी से इसी बिल्डिंग पर कूदता हूँ चाहे बेशक कुछ भी हो। तो गाइज एक भैया जी जो सामने दिखते हैं, तो गाइज देखो कैसे भरता हूँ इनको। तो गाइज उतरते उतरते जल्दी से भैया जी को ख़त्म करते हैं। भैया जी सोच रहे हो गेम अभी उतरा भी नहीं हो, पहले ही ख़त्म कर दिया। तो जल्दी से अंदर जाते हैं, तो एक और भैया जी आते हैं, यहाँ मुक्के मार रहे थे मेरे टीममेट को। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी से वो फिनिश कर, तो मैं ही उसको फिनिश करता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ वापस चल भाई, दो बंदों के पास इनके गन है, तो हम वापस आ जाते हैं अपनी बिल्डिंग में, बाद में देखेंगे इनके दोनों बंदों को। तो इतने में गाइज हम लूट ही कर रहे थे, तो हमारे टीममेट ने दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया वहाँ पे जाके। तो गाइज अब और बंदे तो थे नहीं इधर, इस सी बिल्डिंग की तरफ तो थे नहीं, पीछे की तरफ पता नहीं हमें बंदे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। तो मेरे पास अभी एस के थी और 20 गोलियों के साथ ही थी। इतने पीछे से फायरिंग हो रही थी बोट फायर, तो मैं जल्दी से बोटों के पास जाता हूँ। एक बोट है भैया जी हमारे यहाँ आते हैं, तो जल्दी से इनको यहाँ ख़त्म करता हूँ और यहाँ से M16 ले लूँगा। तो अब सामने की तरफ दो बोट आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने वाले थे, तो उससे पहले मैं ही पहुंच जाता हूं। भाई तुम दोनों में से कोई अपने आप किल मत लो, मैं ही मारूंगा तुम वो। तो इतने में गाइस मैं मारने लगता हूं, पर बोट ही उसको नॉक कर देता है, शुक्र है वो फिनिश नहीं हुआ, तो मैं पूरा उसको फिनिश करता हूं। इतने में एक और बोट दादा आते हैं, मेरे पे सिर्फ गाइस 6 गोलियां बची थी, तो मैं इसको दो गोलियों में नॉक करता हूं और आखिरी गोलियों में इसको ख़त्म भी कर दूंगा। तो गाइस जल्दी से मैं बोटों के पास आता हूँ, और बंदे देख रहा था मैं, यहाँ कोई और बंदे ना हो भाई, रियल आ जाएं कभी एकदम। तो जल्दी से बोटों को लूटते हैं और अब निकलते हैं मिलिट्री बेस से, और तो बंदे आए नहीं थे इधर से। तो गाइस हम सीधा मिलिट्री बेस से ट्रिपलियाँ मिलती है, ट्रिपलियाँ उठा के सीधा निकलते हैं। गाड़ी तो कोई खड़ी नहीं थी, बस हमें यही डर था कि ब्रिज कैंप ना हो, बस देखते हैं फिर आगे। तो गाइस इतने हम ब्रिज पे आते हैं, तो ब्रिज कैंप तो नहीं मिलता, तो जल्दी से हम जोन में निकालते हैं और सीधा चलते हैं पोचिंखे की तरफ, क्या पता वहीं बंदे मिले हमें और कोई तो मिलने नहीं वाले थे अब। तो अब गाइस हम आते हैं आपकी फेवरेट जगह, हमारी फेवरेट जगह, सबकी फेवरेट जगह और कैंपरों की तो है ही फेवरेट जगह, पोचिंखे के अंदर। तो गाइस इतने में हम यहाँ से जा ही रहे थे, अब यहाँ से सीधा हम रोजो के स्कूल जाते हैं। इतने मेरा टीममेट मेरे को बताता है भाई पीछे एक गाड़ी लग चुकी है, तो कल जल्दी जल्दी में यहाँ से हम गाड़ी भगा ही रहे थे अपनी बाइक को, यहाँ पलट जाती है। तो गाइस देखो भैया जी अपनी गाड़ी भी हमारे पीछे पीछे पलटा देते हैं और इनको क्या ही मारेंगे इनको। तो गाइस देखो मेरे साथ क्या स्कैम होगा, यहाँ पे एक भैया जी मेरे को दिखे लेटे हुए पर मैंने मारा, पर बाद में पता लगता है भाई नॉक ही नहीं हुए थे, तो जल्दी से हम इन्हें नॉक करते हैं। तो गाइज अब ये सिर्फ नोक हुए थे, तो इनका एक बंदा पता नहीं कहाँ ही होगा, तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो अब गाइज हमारे पास एक ट्रिपलिया थी और एक बाइक थी, गाड़ी तो हमने यहाँ पे फोड़ दी थी, तो नंबर एक हमारा रैंडम था, वही ट्रिपलिया लेके भाग गया, एक बाइक लेके चला जाता तो हम तीनों इकट्ठे चले जाते, पर गाइज अब देखो उसके साथ क्या ही बुरी बनेगी, और जा अकेला। जब गाइज अब ये नोक हुआ हम इतना हंसे इसके ऊपर भाई, और जा अकेला मजे ले तू अब। तो इतने में गाइस हम इसका बदला तो जरूर लेकर आएंगे। तो गाइस इतने में भैया जी भी दिख गए थे सामने, वहां पे थे तो ट्रिपल स्टोरी के ऊपर, तो मैं जल्दी से जाता हूँ इस रिज के नीचे, रोकूंगा पहले तो फिर देखते हैं भैया जी को। तो इतने में गाइस मैं स्कोप छोटा कर रहा था, तो मेरे को भैया जी पता नहीं कहाँ से मारते हैं, फिर पता लगता है यहाँ पे रिज के नीचे बैठे हैं और एक ट्रिपल स्टोरी में भी थे दो बंदे। तो भाई मैं अपने टीममेट को बताता हूँ ट्रिपल स्टोरी में बैठे हुए बंदे, तो ध्यान से रखना, पर गाइस मेरे साथ ही बुरी बनेगी।
अब देखो गाइस इतना डैमेज दिया पर मेरे को नॉक पता नहीं दूसरे बंदे ने नॉक किया और मेरे टीममेट ने उस बंदे को नॉक कर दिया था। अब गाइस देखो जल्दी से मैं रिवाइव ही होऊंगा, उतने में एक भैया जी और क्लोज इन करने लगेंगे, पर उन भैया जी ने सिर्फ मेरे को मारा और किसी को नहीं। तो तूने एक दो गोली में मारा, मार गया वो भाई मेरे को एक गोली में फिर से। तो गाइस इसका भी मेरे को खेलने मिला, तो यहाँ पे दो बंदों को खेलने मिले। मैं जल्दी से फिर से रिवाइव होता हूँ। अब इनका सिर्फ एक ही बंदा रहता था जो कि ट्रिपल स्टोरी के ऊपर था, तो मैं सोच रहा था भाई हेल्थ करता हूँ और फिर जाऊँगा सीधा, किल तो मेरे को ही चाहिए अब। तो अब गाइस मेरे को लग रहा था भैया जी ट्रिपल स्टोरी के अंदर बैठे हुए हैं, तो भाई मैं यहाँ से सोच रहा था यहाँ से क्या पता किल मिल जाए, पर मैं यहाँ से तो कोई मुंडी दिख नहीं रही थी। पर मैं फिर सोचता हूँ सीधा जाके रश कर देते हैं भाई, हमारा नंबर 3 तो अकेला भाग चुका था किल के चक्कर में, पर भाई किल लेके ही आ जाता है वो, तो हम इन सबको लूटते हैं मजे से फिर निकलते हैं इधर से। अब एक नंबर ने नॉक किया था। तो अब गाइस यहाँ से हम सीधा निकल ही रहे थे जोन की तरफ, तो हम यहाँ से निकालने की सोच रहे थे भाई वाटर सिटी में, क्या पता वाटर सिटी में आज कोई बंदे मिल जाए। तो गाइस हमारी इच्छा पूरी हुई, वाटर सिटी में बंदे मिलते हैं हमें। तो अब देखो मेरा टीममेट को कैसे गाड़ी रोकेगा, इतनी गंदी गाड़ी रोकेगा, बस सामने वाले बंदे इतने नूब निकले हमें मार नहीं पाए बस। देखो गाइस, तो सो गाइस मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ गाड़ी रोक, और देखो गाइस कहाँ ओपन में गाड़ी रोकी, वो अमर को इजीली हम यहाँ पे मार सकते थे, बस मार ही नहीं, पता नहीं क्यों ही नहीं मारी, और AWM वगैरह सब कुछ थे इनके पास। तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को पहले कवर में लगाता हूँ, फिर अब इन बंदों को देखेंगे गाइस, देखो क्या ही पेल लेंगे आज इनको। तो एक भैया जी मेरे को खिड़की में दिखते हैं, तो गाइस देखो थोड़ा बहुत डैमेज मैं देता हूँ पर वो भी मेरे को देते हैं, क्योंकि वो पीक लेके मार रहे थे, मैं ओपन था आराम से मार सकते थे वो। तो अब इतने में मेरा टीममेट ने एक बंदे को नॉक करा, तो मैं बोलता हूँ भाई क्लोज इन कर दो उनके ऊपर सीधा। अब गाइस देखो मैं सीधा पैदल मैं बाद में ही जाऊँगा, भैया इस बारी भी पता नहीं क्यों बाद में गया, किल इस बारी भी नहीं मिलने वाला मेरे को। तो अब गाइस मेरे टीममेट तो दोनों क्लोज इन कर चुके थे, तो मैं बोलता हूँ भाई नेट से मारने की कोशिश करो, और वही करते हैं भाई, नेट से एक मारा, नेट से फिर एक नॉक हो जाता है। तो अब मेरे को लग रहा था वो बंदा तो रिवाइव हो चुका होगा, तो अब इतने में वो बंदा एक और नॉक हो जाता है और एक बंदा फिनिश भी हो जाता है। तो अब गाइस सीधा हम बोलते हैं भाई रश कर दो, अब सीधा एक ही बंदा रहता है अब। तो अब गाइस देखो हमारे साथ क्या ही बुरी बनने वाली थी, बस बच गए इधर, तो जल्दी से हम ऊपर चढ़ते ही हैं। इतने मेरे टीममेट ने एक और नॉक किया, अब यहाँ पे गाइस नेट आया और बच गए, हमारा टीममेट अंदर चला गया पैनिक रूम में, नहीं तो हम मर जाते। तो अब जल्दी से इतने में एक भैया जी पता नहीं कहाँ से ही आए, वो तो मेरा टीममेट ने शुक्र है ख़त्म कर दिया उसको, नहीं तो भाई मर जाते आज। तो जल्दी से रिवाइव लेते हैं, इनको लूटते हैं फिर निकलते हैं इधर से। तो गाइस अब हम सीधा आते हैं ड्रॉप के पीछे, अब हमारे पास सिर्फ ड्रॉप का लालच रह चुका था, बंदे तो मेरे को मिल नहीं रहे थे, मेरे टीममेट सारे चोर मारे जा रहे मेरे को मारने नहीं दे रहे थे। तो गाइस जब सामने ड्रॉप दिख रही थी, तो मैं सोचता हूँ भाई ड्रॉप पे चलता है सीधा, इतने में हमें सामने स्कोड हाउस से गाड़ी जाती हुई दिखती है भाई। तो अभी अब भी मेरे को किल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं मार नहीं सकता, इतने में गाड़ी चेंज करने लगे हैं तो पता नहीं वो कहाँ तक निकल जाएगा। तो इतने मेरे टीममेट अब गाइस देखो क्या ही पेलेंगे इस बंदे को, गाड़ी से ही उतार देंगे। तो सिर्फ एक ही बंदा था, तो इस बारी भी किल नहीं मिला, तो जल्दी से अब पीछे ड्रॉप रह चुकी थी और इसके बंदे को लूटते हैं और फिर ड्रॉप भी लूटेंगे। तो गाइस हम ड्रॉप लूटने जा रहे थे, इतने मेरे को सामने एक भैया जी दिखते हैं, तो गाइस देखो क्या ही हेड दिया और भैया जी को करते हैं ख़त्म। तो अब गाइस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं ड्रॉप लूटने, भाई गाड़ी में ही जाएंगे कोई कवर मिल जाए। इतने में गाइस मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ गाड़ी ड्रॉप पर रोकनी है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था। तो जल्दी से मैं ड्रॉप पर आता हूँ और ड्रॉप में मुझे मिलती है AUG जो कि मैं लेने नहीं वाला, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तुम ले लो भाई। इतने में गाइस देखो क्या ही गंदी पड़ने लगी हमें भाई, हम तो यहाँ से भागे दबा के। तो मैं जल्दी से ट्रिपल स्टोरी के साइड वाले घर में गाड़ी रोकता हूँ, गाड़ी भी कवर में और हम भी कवर में। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तुम सीधा जाओ ट्रिपल स्टोरी में घुस जाओ, वहाँ से कवर मिलेगा तुम्हें। तो जल्दी से मैं इधर आता हूँ और यहाँ अपनी हेल्थ पूरी करते हैं और बंदे वो देखते हैं भाई। तो भाई जल्दी से मैं हेल्थ पूरी करता हूँ और आता हूँ सीधा ट्रिपल स्टोरी। तो भाई और कहीं तो जगह थी नहीं हाई एडवांटेज की, ट्रिपल स्टोरी लग रही थी, वहीं से बंदे आराम से दिखेंगे। अब गाइस देखो कहाँ कहाँ बंदे मिलेंगे और कहाँ कहाँ हेडशॉट देके बंदों को ख़त्म करूँगा मैं। तो गाइस इतने मेरे टीममेट बताते हैं उस तरफ बंदे हैं, तो मैं इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर चढ़ता हूँ और सामने देखता हूँ। इतने मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक भी कर देता है, तो मैं उससे पूछता हूँ, तो वहीं बता रहा था वहीं पर ही बंदे हैं। तो गाइस इस तरफ से तो कोई एम मिल नहीं रहा था,
तो मैं सोचता हूँ यहाँ से मारो भाई, क्या पता यहाँ से थोड़ा एम मिल जाए। तो गाइस इधर से भी कोई एम नहीं मिल रहा था, बल्कि वहाँ स्मोक और हो गया था भाई अपने बंदे को बचाने के लिए। इतने में गाइस एक भैया जी दिखते हैं, पर मेरा टीममेट मेरे आगे हट जाता है। तो अब इतने में फिर से दिखते हैं, पर गाइस मैं इतनी गोलियाँ वेस्ट कर दूंगा, पर बाद में पता लगता भाई दीवार ही ग्लिच थी भाई, रिज ग्लिच था वो, क्योंकि भैया जी वो पहल नहीं सकते थे। पर इतने में ये एक भैया जी दिखे थे तो मैं उनको मार सकता था, पर मार नहीं पाया। चलो कोई नहीं, इतने में फिर से ग्रिल के ऊपर चढ़ जाऊंगा भाई, यहीं से एम मिले। पर गाइस इतने में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या एकदम आया, मैं पीछे कोई बंदा ना देख रहा हूँ, तो इतने में पीछे देखता ही, और एक भैया देखो गाइस कैसे देख रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों ही देख रहे थे, आराम से देख रहे हैं। मारा भी लो, पता नहीं मारा ही नहीं, तो मैं जल्दी मारता हूँ इनको, ख़त्म करता हूँ भाई। मैं डर हो गया एकदम, पता नहीं कैसे देख रहे थे भाई, भूत की तरह बस झाँक रहे हैं। तो इतने में वापस से पीछे की देखने लगता हूँ, तो भैया जी देखो गाइस हेड पे गोली मारी, पर भाई रिज ग्लिच थी, तो भाई इतनी गोलियाँ वेस्ट कर दूंगा AWM की, पर भैया जी को एक नहीं लगने वाली। तो गाइस इतने में वो स्मोक करके जोन में आने की कोशिश कर रहे थे, तो एक भैया जी आ भी गए थे, तो दूसरा भी एकदम आ जाएगा। पर इनका तीसरा बंदा गाइस पता नहीं क्या ही करना चाहता था, वहीं बैठा रहा। तो आखिर में आपको दिखाई देंगे क्या ही करना चाह रहा था वो। तो अब गाइस मैं नीचे आता हूँ, मेरे को डर लग रहा था भाई छत पे, भाई कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, जैसे वो भैया जी मेरे को कैसे देख रहे थे। इतने में मेरे को भैया जी दिखते हैं सामने, पर फिर से ये रिज ग्लिच था। तो इतने में भाई मेरे को पता नहीं लेफ्ट राइट से कहीं से पड़ी, तो भाई मैं यहाँ पे पहले आराम से हेल्थ पूरी करूँगा, फिर भैया जी को देखते हैं। गाइस अब देखो गाइस भैया जी को क्या ही हेड दे के फिर से ख़त्म करेंगे। तो सामने भैया जी मेरे पे आराम से पीक लेके देख रहे थे, भाई मारो भी कब मारेंगे पता नहीं, तो मैं जल्दी से हेड ख़त्म करते हैं इनका। तो अब गाइस देखो फिर से मैं इसी ग्रिल के ऊपर चढ़ जाता हूँ, मेरे को लग रहा था भाई अब तो और कोई होगा ही नहीं, पर गाइस पीछे अभी भी बंदे निकलने वाले हैं, बस देखते जाओ। बस मेरे इस तरफ कोई नहीं था, क्योंकि भाई एक ही बंदा था, अब जोन भी आने वाली थी तो दिख जाएगा। तो अब गाइस सामने की तरफ स्मोक हो चुकी थी, वो भैया जी सोच रहे थे हम और अंदर क्लोज इन कर दें इनके ऊपर। तो उनका गाइस एक और बंदा जोन में आ चुका था, पर तीसरा नंबर उनका पता नहीं वहीं पे ही बैठा रहा वहीं पे ही। तो गाइस मेरे को एक भैया जी और दिखते हैं उधर ही, तो वही उनका तीसरा नंबर था जो तीसरा बंदा। तो गाइस देखो अब मैं इतना प्यारा हेड दिया, फिर से रिज ग्लिच, पता नहीं क्यों भाई क्यों नहीं लग रही गोलियां, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इतने में गाइस लेफ्ट साइड में एक भैया जी आ चुके थे, जिसमें मेरे टीममेट ने मेरे को बताया भाई लेफ्ट में एक बंदा आ चुका है। अब गाइस राइट में भी बंदा था, लेफ्ट में बंदा था, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। बस लेफ्ट वाले से इसलिए डर था क्योंकि वो ऊपर आ गया तो मेरे को आराम से मार सकता था, पर मैं लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा करके देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ राइट में ही देखूँ भाई, राइट वालों को पहले ख़त्म करेंगे क्योंकि उन्होंने जोन में आना था। इतने में गाइस देखो एक भैया जी यहाँ पे फिर दिखते हैं, मैं फिर मारता हूँ, फिर नहीं लगती भाई। अब मैं तो भड़क हो चुकी थी भाई, क्यों नहीं लग रही गोलियाँ, पर ये वाली मैंने शॉट मिस करा, पर पहले वाला तो मैंने भाई पूरा करेक्ट मारा पर लगी नहीं। तो गाइस इतने में मेरा टीममेट बोलता भाई क्लोज इन करने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट वाले, तो मैं अब देखने लगता हूँ भाई क्या बता करने लग जाए भाई, और घुस गए तो भाई तो जब ख़त्म कर देंगे। तो मैं जल्दी ग्रोजा में 6x लगाता हूँ और उसको 3 में कन्वर्ट करता हूँ। तो अब गाइस देखो भैया जी आते हैं इधर, तो मेरे टीममेट उसको मारने लगते हैं, मैं AWM निकालता हूँ और करते हैं इन्हें ख़त्म। तो अब गाइस लेफ्ट साइड में हमें बंदे अब ख़त्म हो चुके थे, बस सामने भाई 3 बंदे रह गए थे, अब पूरी 3v3 की फाइट थी। अब गाइस देखो क्या ही मजे लो इनके। तो गाइस अब मैं सोचता हूँ सीधा भाई इनके ऊपर रश करने की, इतने मेरा टीममेट भाई एक नोक भी निकाल देता है इनका, तो और क्या ही चाहिए था। अब गाइस दो बंदे इनके यहाँ पे थे और एक बंदा सामने था, इतने में को एक भैया ये नोक दिखते हैं, मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ पर कवर में चले जाते हैं। बस मैं फिर सोचता हूँ भाई पूरा फिनिश करूँ, पर सामने वाले भैया जी दिखते हैं। अब गाइस देखो क्या ही मारूंगा इनको, इतने मेरा टीममेट ने उसको डैमेज किया, पर मैंने कवर फायर दिया, उसी टाइम निकल जाते हैं नीचे की तरफ। अब गाइस मैं अपने टीममेट को बुला लेता हूँ, भाई अकेला तो मैं जाने से रहा, तुम साथ चलो, क्या पता अकेले में मेरे को मार दे और फ्री का चिकन डिनर चला जाए यहाँ पे आज। तो गाइस मेरा टीममेट आगे आगे जाता है, मैं उसको पीछे कवर देने के लिए जाता हूँ। अब गाइस देखो मैंने डैमेज दिया, पर मेरे टीममेट ने भी डैमेज दिया, पर पता नहीं किसका ज़्यादा था, उसने किल मार दिया। इतने में गाइस उस भैया जी ने यहाँ पे उसको रिवाइव दिया था। अब देखो गाइस भैया जी एकदम अटक गए यहाँ पे, तो जल्दी से नॉक करता हूँ और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ वहाँ पे भाई सीधा रश कर दो, एक ही बंदा रह चुका है अब। तो गाइस देखो मेरे को लग रहा था मेरे को आराम से किल मिलेगा, पर मेरे टीममेट ने पहले ही उसे मेरे पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो ये था गाइस आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, और हाँ गाइस कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लगती है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे। और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपने भाई को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।